वेलकम बैक टू आवर चैनल जेडी कोचिंग क्लासेस। सो ये वीडियो में हम लोग आपको एक जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है उसके बारे में बताने वाले। ये नोटिस सीईटी एग्ज़ाम को लेकर है एंड आई होप आप सब लोग सीईटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए रहेंगे। अभी भी आपको ये फिक्स नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ये चैनल पर हम हमेशा रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहे सीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर। ओके, तो वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, एंड अभी देख लेते हैं जो भी इसमें जो नोटिस आया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। ओके, सो ये नोटिस को तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज ये नोटिस पढ़ के आपका इतना टाइम तो मैं वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं आपको अराउंड 10 से 12 मिनट के अंदर ये वीडियो में आपको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये नोटिस के अंदर हमारे लिए क्या जानने लायक है। ओके, तो ये नोटिस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये अराउंड सेकेंड से लेकर 9th तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो वो सब हाईलाइट किया हुआ है एंड इसका अलग से मैंने एक शॉर्ट में अलग से छोटा सा नोटिस बना के रखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट देके रखा हुआ है उन्होंने क्या बोला है, सीईटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड आफ्टर 15th of July। सो ये फिक्स है कि जो आपका सीईटी एग्जाम होगा वो कभी होने वाला है, 15 जुलाई के बाद में होने वाला है। अभी आप लोग बोलेंगे बाद में मतलब कभी, 15 जुलाई तो है, उसके बाद में कभी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो इतना लंबा नहीं जाएगा। 15 जुलाई के बाद में मैक्सिमम 2 वीक उन्होंने बोला हुआ। अभी ये जो नोटिस है ना, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, इसमें उन्होंने बोला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके इसको डिस्क्रिप्शन से। तो इसमें बोला हुआ है कि मैक्सिमम 2 वीक्स रहेगा। ओके, मीन्स 15 जुलाई के बाद में 2 वीक्स के बाद में एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। तो ये फर्स्ट है पॉइंट इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड क्या बोला, इट विल बी ऑप्शनल फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। तो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे लोग हैं, उनके लिए क्या रहेगा, ये ऑप्शनल रहने वाला। ऑप्शनल मतलब सबके लिए कंपलसरी नहीं है। बट ये सेकेंड पॉइंट को ना मैं वैलिड नहीं मानता, बिकॉज मैं तो यही बोलूँगा आप सबको जो भी लोग देख रहे रहेंगे वीडियो ये, कि आप सब लोग सीईटी एग्ज़ाम दो। आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, सपोज करो आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, मीन्स आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सीईटी एग्ज़ाम दो। बिकॉज जो ये यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट यहाँ पे देखे रखा है, वो पढ़ने के बाद आप भी यही बोलोगे कि हाँ हमें भी देना चाहिए एग्ज़ाम। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, अगर आपको 10 मार्क्स भी आते हैं ना, मैं बोलूँगा फिर भी आप सीईटी एग्ज़ाम दो। आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, अभी ऐसे टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे सपोज करो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, फिर भी एग्ज़ाम तो आप दो, ये मैं बोलूँगा हमेशा आपको। बिकॉज देखो ये लाइन क्या देके रखा हुआ है, सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना सामायिक प्रवेश परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल। मीन्स जो लोग सीईटी एग्ज़ाम देंगे वो लोगों को प्रायोरिटी दी जाने वाली है, किसमें, एडमिशन के लिए। जो स्टैंडर्ड 11 का आपका एडमिशन होगा ना, तो उसके लिए प्रायोरिटी दी जाने वाली है, सबको नहीं मिलेगा, जो लोग सीईटी एग्ज़ाम देंगे उनको। मीन्स अगर आप सिर्फ सीईटी एग्ज़ाम दे देते हो तो उतना देने भर से ही आप लोग एलिजिबल हो जाओगे कि आपको फर्स्ट राउंड में आपका नाम लगेगा। ओके, तो बिकॉज जो लोग सीईटी एग्ज़ाम देंगे वो लोगों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और आप बोल सकते हो फर्स्ट राउंड में नाम लगेगा, तो आप सीईटी एग्ज़ाम दो, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, सो एंड जो दूसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है मैं वही बोलूँगा, इसके लिए भले ही उन्होंने बोल के रखा है कि ऑप्शनल है, पर आपको सीईटी एग्ज़ाम देनी है। थर्ड पॉइंट क्या बोला, ऑफलाइन सिंगल पेपर ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। तो ये पेपर का पैटर्न भी एकदम अभी कंफर्म कर दिया है, ऑफलाइन सिंगल पेपर, मतलब एक सिंगल पेपर रहेगा, और वो भी कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। तो आपको वो याद रखना है, ऑफलाइन रहेगा और सिंगल एक पेपर रहेगा एक साथ में, मतलब अलग अलग दिन नहीं रहने वाला है, एक साथ में रहेगा और एक ही पेपर रहेगा, और वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट, मीन्स महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे सेंटर लगेंगे। ओके, यूजिंग ओएमआर शीट आपको पता रहेगा, जो लोग ने स्टैंडर्ड 7th में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया रहेगा, सो वो लोग को पता रहेगा कि ओएमआर शीट क्या रहता है। ओके, आपको पता रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर दिया रहता है एंड 4 ऑप्शन दिया रहता है, सर्कल रहता है एंड उसको आपको बबल अप करना रहता है, फिल करना रहता है। ओके, देन जो फोर्थ पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट अपने मन से नहीं बनाया है, ये पूरा पढ़ने के बाद में इसमें जो भी की वर्ड है, जो भी की पॉइंट्स है, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आपको टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि अभी आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइम कम से कम वेस्ट करना चाहिए। ओके, बिकॉज ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, आपको मालूम है 20 to 25 days मैक्सिमम आर रिमेनिंग, तो उतना आप जितना भी दिन बचा हुआ, अगर आप उतना दिन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप उतना भी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अराउंड 80% मार्क्स तो आ जाने वाले हैं।
ये वो लोग के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पूरा भूल भी गए रहेंगे लास्ट वन मंथ में, तो एंड अगर आपको याद रहेगा तो अराउंड आपको 90-95% मार्क्स आएगा, बिकॉज इतना हार्ड रहेगा नहीं एग्ज़ाम, बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम होने वाला है एंड आपको देना है एग्ज़ाम बिकॉज इसमें कॉम्पिटिशन कम रहेगा, तो आप एग्ज़ाम दीजिए। एंड हम लोग ने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अराउंड 10-12 डेज बैक एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, आप वो चैनल को विजिट करके देख भी सकते हो, उसमें बताया हुआ है मैंने कि आपको सीट एग्ज़ाम क्यों देनी चाहिए, ओके उसका रीज़न बता के रखा हुआ है, आप देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ओके। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ में क्या बोला है, 25 MCQs ईच, मतलब 25 MCQs आने वाले हैं, अब यही फिक्स हो गया है कि सिंगल सिंगल मार्क्स का आएगा, बिकॉज इंग्लिश में से 25, मैथ्स में से 25, साइंस में से 25 एंड सोशल साइंस में से 25, ओके मतलब मैथ्स के दोनों पार्ट में से मिला के 25 एंड इंग्लिश का 25, साइंस का 25 एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपका सब आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ओके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब आता है, ओके आपको नागरिक शास्त्र नहीं समाजशास्त्र रहेगा, ओके तो ये सब आता है सोशल साइंस में, तो आपको वो याद रखना है। एंड साइंस में भी साइंस वन एंड साइंस टू दोनों आएगा एंड मैथ्स भी मैथ्स वन एंड मैथ्स टू दोनों आने वाला है, तो पर्टिकुलर इसमें से भी 25 इंग्लिश में से, मैथ्स में से 25, साइंस में से 25 एंड सोशल साइंस में से 25, सब पर 25 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। तो अभी आप अज्यूम भी कर सकते हो, अभी देखो सिर्फ 25 मार्क्स का अगर एमसीक्यू आएगा एंड वो भी सिंगल मार्क का आएगा तो कितना सिंपल रहेगा, ओके ये आपको पता लग गया रहेगा। तो आपको करना है कि आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, अगर आप अभी भी परेशान हो कि कहाँ से करना है तो हमारे चैनल पे हम लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। एंड साथ में हम लोग सिर्फ वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम लोग ने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट हर सेकेंड वीडियो के नीचे तो आपको मिलेगा ही, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, उसके नीचे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ रहता है एंड जो उसके बाद का जो वीडियो रहता है वो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी अपलोड करते हैं हम लोग। तो ये वे में अगर आप प्रिपेयर करोगे, सिर्फ अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो अराउंड आपको 90-95% मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ओके तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा, ओके तो ये आपको बोला हुआ है। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या बोला है, सिलेबस विल बी ऑफ स्टेट बोर्ड, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस होगा। एंड हाँ, अगर ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के बच्चे लोग हैं, तो वो लोग के लिए बता दें हम कि ये जो वो लोग का भी जो एग्ज़ाम रहेगा वो CET, तो उनका सिलेबस भी सेम रहेगा स्टेट बोर्ड। एंड आप लोग को तो टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है कि आप एक बार देख ले सिलेबस क्या है, बिकॉज आपने मैक्सिमम उसमें से ना आपने एक पोर्शन कवरअप किया रहता है, आप लोग का वैसे भी जो सिलेबस रहता है वो स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस लेवल का रहता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आपको ये इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके तो अगर आप भी अपने मतलब अब तक स्टार्ट नहीं किया रहेगा तो आप भी देख सकते हैं हमारी वीडियोज़, उसमें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ रहेगा एंड हर एक वीडियो के लिए क्वेश्चन बैंक है, तो आप वो करेंगे सॉल्व तो आपको भी इजीली आ जाएगा, ओके तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था कि ये सबके लिए रहेगा, मीन्स अगर आप स्टेट बोर्ड के तो भी एंड CBSE IGCSE बोर्ड के तो भी आपके लिए CET एग्ज़ाम जो रहेगा वो स्टेट बोर्ड के ही सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेगा, ये आपको याद रखना है, ओके एंड कुछ लोग अभी परेशान थे बिकॉज कोरोना का लॉकडाउन है, तो इसकी वजह से लोग सोच रहे थे कि जो फीस रहेगा वो फिर से भरना पड़ेगा, आपको मालूम रहेगा कि आप लोग ने एक बार फीस भरा रहेगा ऑलरेडी, ये कौन सी फीस की बात कर रहे हैं, बोलो एग्ज़ाम फीस की बात कर रहे हैं, ओके सो जो एग्ज़ाम फीस जो आपने भरा रहेगा अपना एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड 10th का, ऑलमोस्ट सब लोग नहीं भरा रहेगा, तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोगों ने देखो यहाँ पे बोला है नो फीस टू बी चार्ज फॉर SSC स्टूडेंट्स हुए पेड SSC एग्ज़ाम फीस, बिकॉज आप लोग ने SSC एग्ज़ाम का फीस तो पहले से भरा हुआ है एंड आपको पता है वो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, तो फिर से आपका वो लोग फीस चार्ज नहीं करेंगे, वो फीस में ही आपको ये एग्ज़ाम भी दे देनी है, मतलब आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं भरना है। तो अगर आप फीस की वजह से सोच रहे हो कि इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि उतना पैसा कौन देगा फिर से, तो इसके लिए हम CET एग्ज़ाम नहीं बैठेंगे, तो वैसा तो बिल्कुल भी मत सोचो आप, बिकॉज आपको देखो यहाँ पे देखे रखा होगा कि कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, तो आप तो एग्ज़ाम दो अभी, ठीक है। देन विल बी कंडक्टेड इन जुलाई एंड और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको 15 जुलाई, देखो बाद में मैंने आपको बोला था मैक्सिमम 2 वीक्स, तो अगर आप 2 वीक्स काउंट करोगे तो 29 जुलाई, 30 जुलाई हो रहा है, ओके सो वही लोगों ने बोला है कि एंड जुलाई एंड पे होगा और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो इतना ही टाइमिंग है आपको, ओके सो मिनिमम 2 वीक एंड मैक्सिमम 3 वीक इसमें हो जाने वाला है, ये अभी से नहीं बोल रहे हम लोग, ये 15 जुलाई के बाद का 2 वीक एंड 3 वीक का टाइमिंग है, ओके एंड एग्जाम सेंटर्स विल बी अनाउंस्ड लेटर, जो एग्ज़ाम का सेंटर रहेगा मीन्स आपको कहाँ जाकर एग्ज़ाम देना है ये अभी तक फिक्स नहीं है, वो आपको बताया जाएगा। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं, ओके एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ है इसके रिगार्डिंग आपको डाउट,
कि कैसे होगा क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं ओके, कि कैसा होने वाला एग्ज़ाम क्या होगा, आपको अभी कुछ डाउट है तो। और अदरवाइज़ मैंने तो वैसे PDF दिया हुआ भी है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये सब जो भी मैंने बताया आपको। ये ऑफिशियल नोटिस है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ओके। तो आई होप कि आपको समझ गया रहेगा कि सीट एग्ज़ाम अभी देनी क्यों है एंड देंगे तो क्या फ़ायदा होगा ओके। सो आपको देना इसलिए क्योंकि ये तो आपको बताया भी मैंने, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम अनाउंस होगा, सबसे मेन ये आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम अनाउंस हो जाएगा, तो उससे आप ऑलरेडी आपको एक एज मिल जाएगा वो सारे बच्चों के ऊपर जो लोग CET एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं आपको इतना पहले बोलूँगा कि आप प्लीज़ आप जो वीडियो देख रहे हो वो तो एग्ज़ाम दो एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि अब एग्ज़ाम देना क्यों है। अगर आपको मार्क्स बहुत कम भी आते हैं, देखो दो रीज़न होता है बच्चे लोग एग्ज़ाम क्यों नहीं देते। एक तो जो मैंने बताया आपको जो फीस का ये रीज़न है, तो वो लोगों ने तो बोल दिया होगा कि फीस तो कोई चार्ज करेंगे नहीं। एंड दूसरा रीज़न होता है कि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करें। अरे कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम बहुत है ओके। 20 डेज एटलीस्ट तो है ही आपके पास में, 20 नहीं ज़्यादा ही है, एटलीस्ट 30 डेज है, एक महीना पूरा है ओके। अगर फिर भी अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो रेगुलरली एंड समझो आपका सिर्फ 40% पोर्शन ही कवर हो रहा है, तो भी आप एग्ज़ाम दो। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो ऑलरेडी सिर्फ एग्ज़ाम देने से ही आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ जाएगा ओके। एंड अगर सपोज करो आपको 100 में से 40 मार्क्स भी आते हैं, तो अभी सपोज करो मैं 5 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ लोग को 5 अलग अलग बच्चे ओके। फर्स्ट वाले को आता है सपोज करो 90 मार्क्स, सेकंड वाले को 80, थर्ड वाले को 75, फोर्थ वाले को 70 एंड जो फिफ्थ वाले उसको 40 आ रहा है। तो ये पाँचों बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो सबका नाम फर्स्ट लिस्ट में आएगा ओके। तो उसमें भी मीन्स ये रहेगा आपको कि जिसका अच्छे मार्क्स आएंगे, सपोज करो लिमिटेड सीट्स है तो वहाँ पर तो भर जाएगा, लेकिन आपको ये गारंटी अश्योर है कि कोई ना कोई अच्छा कॉलेज तो फिक्स मिलेगा। बिकॉज आप CET एग्ज़ाम दे रहे हो तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप CET एग्ज़ाम दो एंड ज़्यादा टेंशन मत लो। प्रिपरेशन के लिए हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, सिर्फ आप लोग वीडियो देखो एंड आपको CET एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो इजीली ओके। तो आप ये मैक्सिमम आप कोशिश करो कि ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सको, बिकॉज वो लोग ने भी अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, तो आप ये वीडियो को शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए जैसा अपलोड करें रेगुलरली हर एक चैप्टर के ऊपर साइंस और मैथ्स का जो भी है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन बैंक वो लेके आएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।